किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, आर एंड एस यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए निकलते हैं आज की एक अहम खबर पर। आज की हमारी ये खबर है वक्फ बोर्ड से। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने मीडिया को एक स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने ये कहा है कि कुल मिलाकर 440 एकड़ ज़मीन वक्फ बोर्ड की गैर जरूरी तौर पर कब्जा किया गया। उस ज़मीन पर तकरीबन कुछ इंडस्ट्रीज भी हैं, उन सबको हटाया जाएगा। तो बहरहाल वक्फ बोर्ड की जानिब से बड़ा अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब जो इस वक्त काफ़ी एक्टिव है और वक्फ बोर्ड की जायदाद को किसी भी कीमत पर किसी को कब्जा करने नहीं देंगे, इस तरह से कहना है मोहम्मद सलीम साहब का। तो आइए खबर हम आपको दिखाते हैं वक्फ बोर्ड से। 440 एकड़ जगह है जिसमें इंडस्ट्रीज बन गए, वहाँ पर कई चीज़ा कब्जे हो गए और कई लोग लैंड ग्रैबर भी जो है कब्जे करके प्लाटिंग करे, लिहाजा ये जगह वापस करना पड़ेगा क्योंकि वफ प्रॉपर्टी है, ऑलवेज वफ रहती, क़यामत तक वफ रहती। ये कांग्रेस TDP के दौर में कब्जे हुए इस वजह पर, अभी भी जो है हमारी गवर्नमेंट सीरियस है रोकने के लिए। KCR साहब की गवर्नमेंट में ये काम बिल्कुल वफ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन होगा, पर हम ऑलरेडी पुलिस की नॉलेज में भी ले लिए, कलेक्टर को भी कंप्लेंट करें, MRO को भी बोलिए वहाँ पर ऑफिस का काम चल रहा था रुका दिए, पर अल्लाह चाहे तो हमारी एक विजिट मेंबरों के साथ कुछ मेंबर्स हम लोग मिलके CO वगैरह हम लोग मिलके जो है ना मुहर्रम के बाद में हम लोग एक विजिट करेंगे और पूरों को नोटिस देंगे वहाँ पर जो जो इंक्रोचमेंट है। इंशाल्लाह ताला मुहर्रम के बाद में हम लोग हर एरियों में जो है ना हफ्ते में एक विजिट रखने का काम करेंगे अल्लाह चाहे तो। गवर्नमेंट की कंसेशन पे गवर्नमेंट की सपोर्ट लेके हम लोग पुलिस की सपोर्ट लेके हमारी वक्फ प्रॉपर्टी जहाँ जहाँ डैमेज हो रही उसको बराबर बचाएंगे हम। मैं सैयद रियाज चौटू पुल यादादरी डिस्ट्रिक्ट मस्जिद अलमास पे, जिसकी ज़मीन जो है 435 एकड़ 27 घंटे ज़मीन है, जिसको हम लोग जो है करीबन 20 साल से जद्दोजहद कर रहे थे, आज तक उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं हुआ था, जिसमें आज हमारी जो है TRS गवर्नमेंट जो आज सामने आके और हमारे को ऐसे काम करने वाले जैसे आज हमारे वक्फ बोर्ड के सलीम साहब और वक्फ बोर्ड के जो है सर्वेर और वक्फ बोर्ड के जो है आला दर्जा काम करने वाले, कल ऐसा जो है एक जो है ऐसा मसला वहाँ आ गया था, मस्जिद के सामने जो है वो लोग ग्राम पंचायत बना रहे थे और फौरन हमारा हमने जो है सलीम साहब को फ़ोन करने के बाद और जो है हमारे डिप्टी अपने CO साहब उन्होंने फौरन उस चीज़ को एक्शन दिलाया और तकरीबन वहाँ पे 450 एकड़ की जो मस्जिद के तहत की जो ज़मीन है, हमने जैसे सलीम साहब को फ़ोन करा उन्होंने फौरन एक्शन देके पुलिस और जो है ग्राम पंचायत के MROs, RDOs, डिप्टी कमिश्नर साहब वगैरह इन लोगों ने तमाम ने वो वहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन दिए और मस्जिद की मिल्कियत को और मस्जिद को और बहरहाल जो है सबसे बड़ी बात वहाँ पे जुम्मा जो है मुकर्रर हुआ, करीबन 300 आदमी ने वहाँ पे जुम्मा पढ़ा और अल्हम्दुलिल्लाह जो वक्फ बोर्ड हमारे साथ में जो काम कर रही उसके लिए हम दिल से ये बात बोल रहे, किसी के तहत में आके नई बात बोल रही है, जो हमारे साथ 3200 है हम लोगों ने अब तक जो करते हुए अब तक नहीं हुआ और आज जो वहाँ पे जो वक्फ बोर्ड का जो कल काम हुआ जिसमें पुलिस प्रोटेक्शन होते हुए 450 एकड़ ज़मीन को आज जो है वहाँ पे सर्वे चल रहा, जिसमें हम लोग जो है गांव से आए और सलीम साहब का दिल से शुक्रिया कर रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने काम करा, जहाँ पे 16 एकड़ 27 घंटे कब्रस्तान को बचाए, मस्जिद को बचाए, लंगर खाने को बचाया और आशर खाने को बचाया और उसके अलावा मस्जिद की 450 एकड़ ज़मीन के ऊपर वहाँ पे फौरन एक्शन दिलाए और आज जो है वो मिल्कियत बरकरार है और आने वाले टाइम में अल्लाह ताला हम तो यही चाहेंगे कि हमारे सलीम भाई को जो है अल्लाह सेहत दे और उनको काम करने की ताकत दे। हम तो ये चाहते हैं कि जो हमारे साथ हुआ हम किसी के उसमें नहीं आके बोल रहे, जो हमारे साथ करे और सलीम साहब ने जिस तरीके से एकदम उसको एक्शन में लाए और फौरन पूरी वक्फ बोर्ड की टास्क फोर्स भी हमारे साथ थी, घुटनों के बराबर पानी में भी वक्फ बोर्ड के जो है पूरे आलो ऑफिसर्स जाके वहाँ पे सर्वे करें, इतना हम लोगों ने जी हमारे किसी के उसमें आके या कोई पार्टी से आके नई बात बोल रहा हूँ मैं तो जो ये बात बोल रहा हूँ ये हमारे दिल से बात बोल रहे हैं। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, R&S यूनानी फार्मेसी, किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया, अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट्स, सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल्स से। मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत, फिर से पथरी ना होने का मुकम्मल इलाज, दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं।
R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703-939-436, 9063-383760।